करने। ये हाँ। देखो मेरा कल अजीम भाई के साथ इंटरव्यू है, मैं 15,000 रुपए पे मुलाजिम हूँ, कहाँ से बिल तारूंगा? ये देखो 24,000 रुपए का बिल है, 12,000 रुपया टैक्स डाल दिया है, कहाँ से हम पे करेंगे? ये चोरियां करके उधर बैठे हुए और हमें जलील करते फिरते हैं। इंसान अंदरून शहर में जो सा भी वोट लेने आएगा उसको मौत पड़ेगी। हमारे पास वोट लेने ना है, हम मर गए। पिछले महीने भी 25,000 रुपए का बिल पे किया, इस महीने भी दे दिया, कहाँ से लाएंगे? घर में राशन नहीं है, कहाँ से हम खाएंगे? ये उधर बैठे हुए अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, गरीब का सोचते नहीं है। अब गुस्से में है ज्यादा। हाँ, हम कहाँ से पढ़ेंगे? अभी तक पैसे नहीं कटे हुए, लोगों से मांगे, भीख मांगे, कहाँ से हम पे करेंगे इनका टैक्स? चोरी इन्होंने की है, टैक्स हम भरे। Yes. 1 रुपए की नहीं, हमने करप्शन की हुई, रोटी से आतर हुए हमें। इसी तरह आपने 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 तो करप्शन नहीं की, लेकिन वो कह रहे हैं कि तो जिन्होंने की उनका हमें डाल दिया, गरीबों को डाल। ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, ये देखो बिल सामने है, 12,185 रुपए बिल है और 12,185 रुपए टैक्स डाल दिया। एक और सुबह उधर मर गई है, उसका 950 रुपए बिल है और 500 रुपए उसको टैक्स डाला हुआ है। वाडा के सारे बंदे गैप हुए हुए हैं, कहाँ जाएंगे हम? सब मिले जुले हुए हैं। मुफ्ती साहब तो चला चला कर कहते थे ना, एक दफा नून की हुकूमत आ लेने दे, हम ये करेंगे। ये मुआशी इतने साल नहीं तो क्या है, कहाँ से लाए पैसे? मेरा एक होटल है ऊपर, मैं खाना बेचता हूँ, मैं कहाँ से दूँ? 73 यूनिट का बिल 22,000 रुपए, मैं कहाँ से दूँ? आप देंगे मुझे? ये देंगे वो गरीब आदमी का, वो जो इनके लिए हमारे लिए वो सब्सिडियाँ वो किधर गई? इनकी सियासत में गरीब आदमी, आटा घी चीनी दाल कहाँ गया? ये हमें बचाने के लिए नहीं, ये अपने केस खत्म करने के लिए, अपना माल बचाने के लिए, अपनी नस्ल बचाने के लिए, मुल्क बचाने के लिए सब कुछ जो है। मुल्क गरीब डिफॉल्ट कर जाता अगर इसी तरह सब्सिडी देते रहते थे आप। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ, 71 में जब पाकिस्तान टूटा, अच्छा हम इससे भी ज्यादा हस्ता हाल थे, भुट्टो ने कहा से मांगा? जब हम बिल्कुल चकला, हमारे पास था कुछ नहीं, उसने टूटे हुए पाकिस्तान खड़ा किया। पॉलिसी इनके पास पॉलिसी कोई नहीं है, ये इंतकामी सियासत है। क्या हो रहा है? ये फासिज्म है, दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, ये डिक्टेटरशिप के बिगड़े हुए चेहरे हैं, आमरियत का हुसन ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ठीक हो जाएगा 2-3 महीनों, कैसे ठीक हो जाएगा? इंतकामी कार्रवाई करके मुझे इसको जेल में डाल दिया। क्या होगा, ठीक क्या होगा? आवाम रहेगी नहीं तो फिर क्या ठीक होगा? गरीब आदमी मर गया होगा, तो कह रहे हैं 2-3 महीनों में ठीक हो जाएगा। कब आएंगे 2 महीने? इस्तेमाल कोई कर रहा है, बिल कोई भर रहा है, ये क्या हो रहा है? जहाँ चोरी पकड़ी जा रही है वहाँ बिल नहीं जा रहा, अच्छा बिल गरीब हम दे रही है, कहाँ से देंगे? चोट के पड़े जा रहे हैं, जगह जगह हर कोने पे चोर पकड़ने के आ रहे हैं, जेबी खाली कर रहे हैं हमारी, 100 रुपए होल जैसे करते हैं वो, ये बिल लिखे हमारे, ये क्या बिल? आधा बिल है और आधा टैक्स है, आधा बिल है, क्या इसके अंदर देखिए? सही है, 2600 भाई और 2600 टैक्स है। ये आवाम जो उनसे ये ना इस टाइम पिस्ती जा रही है, जो कारोबारी तबका है वो बिल्कुल खत्म हो गया हुआ है, इन्होंने बिल्कुल रिलीफ नहीं दिया, कहते थे नून लीग आएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब के सब चोर बैठे हुए हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं आवाम के लिए, आवाम गरीब मर रही है। मेरा बिल आता 3,000-3,500, अब 8,000 है, मैंने जैसे 3,500 आता था, 8,000 आ गया। मैं अब घर की मुंदरी है, लीनर सेट कपड़े सब बेचे हूँ बिल के लिए, सिर्फ बेच लें, बेचे हूँ, बेचाए मैं बिल के लिए, बिल के लिए जी काटने। 4 मेरी बच्ची, मैं रोटी भी नहीं पूरी कर सकता, इतनी महंगाई का साबित कोई नहीं, अब बिल मैंने दे सकता। वो कहते हैं बिजली बनती बहुत महंगी है, क्या करें, महंगी बनती है तो फिर महंगी बेचेंगे ना भाई, कैसे महंगी बेचेंगे? इतनी घूमते किसने इतनी महंगाई नहीं की जितनी इन्होंने कर दिया, इन्होंने मार ही दिया, पकड़ मार दिया, बेड़ा खड़ा कर दिया, परेशान हो गए रुपया जिसने चोरी की है उसको जेल में डाल दिया है, जिसने 10 अरब रुपया चोरी किया है वो थानों में बैठे हुए हैं, सजा मिलेगी, गाली नहीं देनी। हम ये सारे भाई बैठे हैं इधर, जो एक सूट बेच रहे हैं रात को, 2 सूट बेच रहा है वो, घर जाके अपना खाना खा रहा है, वो अपनी दुकान से माल खा गया है, इन्होंने ये कहते हैं पाकिस्तान को बचा रहे हैं, ये सूद में पैसा ले ही जा रहे हैं, ये सारा सूदी निजाम है, सूदी निजाम पे लानत है, जो भी सूद लेगा उसके ऊपर लानत है। मेरा 1 यूनिट बिल आया है और इसका देखे 1 यूनिट बिल आया और 3,000 रुपए चार्जेस की, देखे 1 यूनिट देखे बंद है, ये 1 यूनिट बिल आया और 3,000 रुपए चार्ज किया है।
पिछला आपका पिछला फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो पीछे यूज की हुई है वो आपको पड़ गया। नहीं 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 नहीं, ये पीछे शबाज साहब ने आगे कहा था कि हम गरीब इंसान को 100 यूनिट फ्री करेंगे, उस बेशरम को शर्म नहीं आती, वो बाहर जाके बैठ गया। ये देखें, एक यूनिट वो दिखा रहे हैं, हम 100 यूनिट फ्री करेंगे। शबाज की तो भाई हुकूमत नहीं रही ना, नहीं रही तो वादे तो उन्होंने किए थे ना, चोरी उन्होंने किया। अबे स्विमिंग पूल बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए इसके बाप ने दिए, आवाम के टैक्स से वो स्विमिंग पूल बना रहा है। एसएन साहब अपने घर के पर्दे चेंज करवा रहे हैं, 75 करोड़ वो ले गया है। मरियम नवाज ने 14 अगस्त में कोई अपने फंक्शन करने थे, वो 75 करोड़ रुपए वो ले गए और खुसरे ने चाह दिए, पाकिस्तान पीटीवी पे उन्होंने खुसरे ने चाह दिए ला के। इनको शर्म नहीं आती, ये बगैर हमें जिंदा मारना चाहते हैं तो वैसे हमें मारे। हम अपनी आला अदालतों से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं, बड़ी हमली रिक्वेस्ट करते हैं, बाजवा साहब अल्लाह का वास्ता है, हमारी जो जज है जज हैं उनको भी अल्लाह का वास्ता है, आपने मर जाना है, हमने भी मर जाना है, वहां किसको बुलाओगे अपनी मदद के लिए? ओ खुदारा शर्म करो, तुम गुलाम हो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अवाम के सोचो, अवाम के सोचो, बस यही है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं सर? जो बेचारा बोलता है उसको जेल में डालते हैं, शबाज गुल के साथ क्या कर रहे हैं? एक मीडिया वाले बंदे जो बोलते हैं उसको पकड़ते हैं। नहीं मारते यार, मेरी बात सुने, मुझे लगता है आपका मसला दिल नहीं है, आपका मसला सियासत है। सियासत क्या कर रहे हैं? नहीं, हम अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकते भाई। आपका मसला जो है इस वक्त, मुझे बताएं हमारा मसला क्या है? मुझे बताएं, बिल मसला नहीं है तो क्या मसला है? आप मुझे बताएं, आपका मसला बिल नहीं लग रहा सर, क्या मसला लग रहा है मुझे बताएं। मेरे लिए 20,000 रुपए सैलरी और 25,000 बिल आया, मैं कहाँ पे जाऊँ? है बताएं, 5,000 रुपए में महीना चला सकता हूँ? बताएं जरा, हम सब चला सकते हैं? 25,000 रुपए मेरी जिंदगी में नहीं बिल दिया, हम सब दुकानदार हैं। 25,000 रुपए बिल आया, सारी उम्र जो है इतने बिल नहीं आए, 108 यूनिट है और 2600 बिल है, और देखिए 5,516 में 3,000 में टैक्स लगा, हम कहाँ से पे करें? ये टैक्स 2600 रुपया बिल है और 3,000 में टैक्स है। ये आपने जो पहले बिजली इस्तेमाल की थी उसके पैसे हैं ना, किस चीज की हम टैक्स दें? पिछले देखिए ना, पिछले साल तो इतने टैक्स नहीं थे, इस साल में टैक्स लगने थे सर। ये 476 का बिल कितना आया था 2 महीने पहले? 12,000, ठीक है। 476 का आज का बिल है 21,000, कितना सही है? कितनी ज्यादा नहीं है? ये देखे टैक्सेस कितने हैं, 5,594 ये एक टैक्स है, फिर ये देखे 4,700 ये है, फिर ये टैक्सेस क्या दें? क्या करें? कहाँ से दें? मैंने देखा 2 महीने पहले सेम यूनिट में 9,000 रुपया ज्यादा। सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़िम ये आपने ये दिखाएं जरा, ये देखें जरा, देखो सही, बिल्कुल सही। जून का बिल 476 यूनिट 12,614 रुपए बिल आया, अभी भी इस माह का जो आया 476 यूनिट और 20,669, यानी कि ये देखें 9,000 रुपया सिर्फ 2 महीने में, ये कैसे हो गया? नाज़िम इस वक्त जो है जज्बात आप देख रहे हैं लोगों के, जो यहाँ पर है वो ये बिल समझना चाह रहे हैं कि जो बिल भेजे गए हैं वो बिल किस तरह आए हैं। गुंडागर्दी ये देखें, समझ नहीं आ रही जी इनको, कितने ज्यादा बिल जाए कि पहले 300 यूनिट ये देखे 15 रुपए, ठीक है, दूसरे जो आगे यूनिट आए हैं वो 19 रुपए आ गया, अब यहाँ पे डायरेक्ट ही उन्होंने 22 रुपए दे दिया, यहाँ पे उन्होंने वो किया ही कुछ नहीं है। पिछले साल देखिए यूनिट के कितने बिल आए, ये देखे पिछले साल देख ले, 534 का यूनिट 534 यूनिट का 10,985 रुपए बिल है, और यहाँ पर 476 का 20,669 रुपए बिल है। ये समझाना तो फिर सरकार नहीं है यहाँ पर, ये किस तरह समझा सकते हैं? यहाँ पर लोग जो है मेरे साथ बड़ी तादाद में मौजूद है, बिल्कुल पहुँचा रहे हैं, आपकी आवाज पहुँचा रहे हैं, बिल्कुल आपकी आवाज पहुँचा रहे हैं। सैलरी 25,000 बिल आ रहे, कैसे महीना गुजारेंगे? हर चीज महंगी, घर चलाएं किधर जाएं, फीसें दें क्या करें? 5,000 रुपए में मंथ गुजर सकता है, आप बताएं।
एक दिन नहीं गुजरता भाई जान आज के दौर में, एक दिन देखो सही यूनिट से सर 100 यूनिट से ज्यादा क्या चलाएं, 108 यूनिट का बिल है सर, आज 6000 रुपये बिल है, 5616 रुपये देखो सही चलाए तो 100 यूनिट से क्या चलाए, बिल्कुल सही नाजन, ये बिल जो है जान मेरी बात सुने सही है, हम घरों में बिजली बंद कर दें, ये अपने मानों में डबल डबल बारियां चला रहे हैं, ठीक है, हमारे घरों का बिल 40-40 हजार रुपया आ रहा है, जो हम अपनी दुकानों से रास निकाल के वो जमा करा रहे हैं, इन्होंने 30 साल में कोई डैम नहीं बनाया, इन्होंने 30 साल में अपने महल बनाए हैं, अल्लाह ताला इनके कब्रों के ऊपर बड़ा जाब डालेगा, ये सारी कम ये नून लीग का गढ़ है, ये नून लीग इधर से हजारों वोट लेती है, इंशाल्लाह ताला इधर से बात करेंगे, आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।